दो स्टेट्स अहम हैं इस चुनाव में, एक है कर्नाटका और एक है महाराष्ट्र। कर्नाटका जहां पे अभी आपकी हार हुई थी विधानसभा के चुनाव में, और महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि वहां पर एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, दो पार्टियां टूटी हैं। मेरे दो साथी मेरे साथ हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्नाटका से। तो हरिप्रसाद जी जो हमारे वहाँ के एडिटर हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हरिप्रसाद जी स्वागत है आपका। कर्नाटकदल्ली नेहा हिरेमठ मर्डर केस ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇಹಾ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬೈ ಫಯಾಜ್. ಇವನ್ ಜಿ ಪಿ ನಡ್ಡಾಜಿ ರಶ್ ಟು ಹರ್ ಹೌಸ್. ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಸೋಚ ರೇ ಅಭಿ ಫೋಕಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೋ ರಹ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾ ಚುನಾವ್ ಕಾ ಫೋಕಸ್ ಐಸೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೋ ರಹ? ದೇಖಿಯೇ, ನಡ್ಡಾಜಿ का कार्यक्रम वहाँ चल रहा था, हमें वो किस दल के थे, वो कांग्रेस के थे, उसकी बेटी की हत्या हो गई तो हमारा क्या, ये हमारे संस्कार नहीं है, नहीं हमारी सोच है। और एक मानवीय संवेदना का विषय है, और मैं मानता हूँ कि अच्छा हुआ अध्यक्ष जी ने इतनी चुनाव की आपाधापी में भी उनके सांत्वना देने का प्रयास किया है। ये पूरी तरह मानवीय व्यवहार है। मैं बताता हूँ कि शायद कौन सा चुनाव है मुझे याद नहीं है, लेकिन राहुल जी का कहीं पर हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे पता चला, तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आपको कुछ दिक्कत हुई है, क्या हुआ है? ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और दमन में मैडम सोनिया जी, फिर हमारे अहमद पटेल से वो सारे लोग, उनका हेलीकॉप्टर एकदम से क्रैश कर गया। मुझे पता चला, मैंने तुरंत फ़ोन किया। मैंने कहा मैं यहाँ से आपको एयर एम्बुलेंस भेजता हूँ। तो अहमद भी नहीं कहा नहीं है, क्योंकि हमें कुछ तकलीफ नहीं हुई है। एक बार सोनिया जी काशी गई थी इलेक्शन कैंपेन में, और वहाँ उनको तबीयत एकदम ख़राब हो गई, तो मैंने तुरंत यहाँ से सबको भेजा। मैंने कहा भाई देखो क्या मामला है, या तो हवाई जहाज दो उनको। तो ये राजनीति से परे होते हैं चीज़ें, राजनीति से ऊपर उठ करके ही व्यवहार होना चाहिए। रिगार्डिंग द गारंटी स्कीम्स इन Karnataka Congress and after coming to power they delivered that one, they as per their promise they are delivering that one now, whereas in BJP is more, in the last election you lost the only 66 seats, you able to win there, BJP able to win there. Now again Yediyurappa ji ka leadership aur uska beta ka leadership mein zyada focus ho raha hai, iska wajah se thoda sa BJP ka andar bhi कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है नंबर वन? यस, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बड़ा है, लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में, सीएम कौन अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है, शपथ हुआ है सीएम का लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए ऐसा होगा तो होगा। जब हमने कहा कि भी हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, जितनी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, कर दी। दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बैंक ही ऐसा लगता है वो जैसे परिचित है, टैक हब के रूप में जाना जाता था।
आप देखते ही देखते पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर अभी यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं, जिन मुद्दे का डेप्टी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं।